हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने टेरिडोफाइट्स की जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स के साथ बंधुता के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने टेरिडोफाइट्स की ब्रायोफाइट्स के साथ समानता और असमानताएं पढ़ी थी। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स की जिम्नोस्पर्म के साथ समानताएं और असमानताएं पढ़ी थी। और फिर अपन ने नए टॉपिक के बारे में भी स्टार्ट किया था, जिसमें अपने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत अपने सिनट और इम्स दो साइंटिस्टों के वर्गीकरण पढ़े थे। इम्स ने जो ट्रेकियोफाइटा ग्रुप को है जो चार समूह में डिवाइड किया गया था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन एक नए वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के, जिसने टिपो का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि टिपो नामक साइंटिस्ट ने जो टेरिडोफाइट्स को वर्गीकृत किया 1942 में। तो टिपो ने जो ट्रेकिफाइटा को फाइलम में रखा, यानी कि इन्होंने फाइलम वर्ड यूज किया, फाइलम और सम फाइलम वर्ड यूज किया, तो इन्होंने ट्रेकिफाइटा को फाइलम कहा और इसे चार सब फाइलम या उप फाइलम के अंदर डिवाइड किया, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। जो सब फाइलम साइलोप्सिडा होता है उसके अंदर एक वर्ग इंक्लूड किया गया जिसका नाम है साइलोफाइटिनी, और साइलोफाइटिनी के अंदर दो गण पाए जाते हैं, गण साइलोफाइटेलीज और गण साइलोटेलीज। फिर जो सेकंड उप फाइलम है जिसका नाम है लाइकोप्सिडा, इसके अंदर जो वर्ग है वो लाइकोपोडिनी है, और वर्ग लाइकोपोडिनी को पांच गणों में विभाजित किया गया है, गण लाइकोपोडियलीज, गण सिलेजिनेलीज, गण लेपिडोडेंड्रेलीज, गण प्लूरोमियलीज एंड गण आइसोइटेलीज। फिर जो थर्ड जो उपफाइलम है जिसका नाम है स्पिनोप्सिडा, इसके अंदर भी एक ही वर्ग इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है इक्विसिटिनी, और इसे तीन गणों में डिवाइड किया गया, हाइनियलीज, स्पिनोफिलेलीज और इक्विसिटेलीज। फिर जो चौथा जो फाइलम है जिसका नाम है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा को तीन वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जो वर्ग फिलिसिनी है उसको टिपो ने जो चार गणों में डिवाइड किया, गण सिनेप्टिटेरिडेलीज, ऑफियोग्लोसेलीज, गण मेरिटियलीज और चौथा जो गण है वो है फिलिकेलीज। टिपो के बाद में नेक्स्ट जो टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन दिया था, जैसे वार्डला का वर्गीकरण कहते हैं, वार्डला ने ये वर्गीकरण 1955 में दिया था। तो टिपो ने ट्रेकोफाइटा के लिए फाइलम और सब फाइलम यूज किया था, लेकिन आईसीबीएन का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग फाइलम और सब फाइलम वर्ड है जो जूलॉजी के वर्गीकरण के लिए यूज किए जाते हैं, तो वार्डला ने फाइलम और सब फाइलम की जगह डिवीजन और सब डिवीजन वर्ड यूज किया। उन्होंने डिवीजन ट्रेक्योफाइटा को चार सब डिवीजन के अंदर डिवाइड किया, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। फिर साइलोप्सिडा सब डिवीजन को इसके अंदर एक ही क्लास है साइलोफाइटिनी, और साइलोफाइटिनी क्लास को दो गणों में डिवाइड किया, साइलोटेलीज और साइलोफाइटेलीज। सेकंड जो सब डिवीजन है जिसका नाम है लाइकोप्सिडा, इसके अंदर भी एक ही क्लास इंक्लूड है लाइकोपोडिनी, और लाइकोपोडिनी क्लास को चार गणों में डिवाइड किया, ऑर्डर लेपिडोडेंड्रेलीज, लाइकोपोडियलीज, प्लूरोमियलीज और आइसोइटेलीज। फिर जो थर्ड सब डिवीजन है जिसका नाम है स्पिनोप्सिडा, इसके अंदर एक ही क्लास इंक्लूड की गई है जिसका नाम है इक्विसिटेनी, और इक्विसिटेनी को पांच ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, इक्विसिटेलीज, स्पेनोफाइलेलीज, कैलेमिटेलीज और स्यूडो बोर्नियलीज और हाइनियलीज। जो फोर्थ सब फाइलम है जिसका नाम है टेरोप्सिडा, इसे तीन क्लास में डिवाइड किया गया, फिलिसिनिक, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। इन तीन क्लासों के अंदर टेरोप्सिडा को डिवाइड किया गया। जो फिलिसिनिक क्लास है उसको चार ऑर्डर में डिवाइड किया, सिनोप्टेरिडियलीज, ऑफियोग्लोसेलीज, मेरेटियलीज और फिलिकेलीज। ये चार गण है जो फिलिसिनिक क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है स्मिथ का वर्गीकरण, तो स्मिथ ने भी है जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनको डिवाइड किया। तो इन्होंने
स्मिथ ने जो वैस्कुलर जो क्रिप्टोगेमस हैं उनको चार डिवीजन में डिवाइड किया, साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा या लाइकोफाइटा, केलेमोफाइटा और टेरोफाइटा। जो डिवीजन फर्स्ट है साइलोफाइटा, इसके अंदर एक क्लास इंक्लूड की साइलोफाइटिनी, और साइलोफाइटिनी क्लास को दो ऑर्डर में डिवाइड किया इन्होंने, साइलोफाइटेलीज और साइलोटेलीज। फिर जो सेकंड डिवीजन है जिसका नाम है लेपिडोफाइटा या लाइकोफाइटा, तो इसके अंदर भी एक ही क्लास इंक्लूड है जिसका नाम है लाइकोपोडिनी, और इसके अंदर चार ऑर्डर इंक्लूड किए गए, लाइकोपोडियलीज, सिलेजिनेलीज, लेपिडोडेंड्रियलीज और आइसोइटेलीज। थर्ड जो डिवीजन है जिसका नाम है केलेमोफाइटा, इसके अंदर भी एक ही क्लास इंक्लूड की गई इक्विसिटिनी, और जिसे तीन ऑर्डर में डिवाइड किया गया, हाइनियलीज, स्पेनोफाइलेलीज और इक्विसिटेलीज। चौथी जो क्लास है जिसका नाम, चौथा जो डिवीजन है जिसका नाम है टेरोफाइटा, और इस टेरोफाइटा के अंदर एक ही क्लास इंक्लूड की गई है फिलिसिनी, और इस फिलिसिनी क्लास को इन्होंने तीन सब क्लास में डिवाइड किया। तो देखो टिपो है, इसके अलावा जो बोर्डला है, इन्होंने जो फिलिसिनी क्लास रखी थी, लेकिन जो स्मिथ था इन्होंने फिलिसिनी को सब क्लास में डिवाइड किया, और कितनी क्लास में, तीन क्लास में डिवाइड किया, प्राइमो फिलिसीज, यू स्पोरेंजियटी और लेप्टो स्पोरेंजियटी। तो सब क्लास यू स्पोरे प्राइमो फिलिसीज है, इसको तीन ऑर्डर में डिवाइड किया गया, प्रोटोप्टेरिडेलीज, सिनोप्टेरिडेलीज और आर्कियोप्टेरिडेलीज। फिर जो यू स्पोरेंजियटी सब क्लास है उसको दो ऑर्डर में डिवाइड किया, ऑफियोग्लोसेलीज और मेरेटियलीज। फिर जो थर्ड क्लास सब क्लास है जिसका नाम है लेप्टो स्पोरेंजियटी, इसको भी तीन ऑर्डर में डिवाइड किया, फ्लिकेलीज, मार्सियलीज और सेल्विनियलीज। नेक्स्ट अपन क्लास पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है राइमर्स का वर्गीकरण। राइमर्स का वर्गीकरण, राइमर ने यह वर्गीकरण 1954 में दिया, और राइमर्स ने जो डिवीजन टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा को एक अलग डिवीजन में रखा। तो इस डिवीजन टेरिडोफाइटा को इन्होंने जो पांच सब डिवीजन में डिवाइड किया, साइलोफाइटोप्सिडा, साइलोटोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो जो फर्स्ट डिवीजन सब डिवीजन है जिसका नाम है साइलोफाइटोप्सिडा, इसके अंदर केवल एक ही ऑर्डर इंक्लूड किया जिसका नाम है साइलोफाइटेलीज। सेकंड जो सब डिवीजन है जिसका नाम है साइलोटॉप्सिडा, इसके अंदर भी एक ही ऑर्डर इंक्लूड किया गया, साइलोटेलीज। फिर जो थर्ड जो सब डिवीजन है जिसका नाम है लाइकोप्सिडा, इसके अंदर इसको पांच ऑर्डर में डिवाइड किया, ऑर्डर फर्स्ट प्रोटोलेपिडोडेंड्रलीज, लाइकोपोडियलीज, लेपिडोडेंड्रलीज, आइसोइटेलीज और सिलेजिनेलीज। फिर जो सब डिवीजन फोर्थ है जिसका नाम है स्पिनोप्सिडा, इसको चार ऑर्डर में डिवाइड किया, हाइनियलीज, स्पिनोफाइलेलीज, केलेमेटेलीज और इक्वेसिटेलीज। लास्ट जो सब डिवीजन है जिसका नाम है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा को राइमर्स ने जो चार क्लास में डिवाइड किया, प्राइमोफिलिसीज, यू स्पोरेंजियटी, ऑस्मुंडी, मुंडेडी और लैप्टोस्पोरेंजियटी। तो क्लास फर्स्ट है प्राइमोफिलिसीज, इसको दो ऑर्डर में डिवाइड किया, क्लेडोजाइलीज और सिनोप्टेरिडियलीज। सेकंड जो क्लास है जिसका नाम है यू स्पोरेंजियटी, इसको भी दो ऑर्डर में डिवाइड किया, मेरेटियलीज और ऑफियोग्लोसेलीज। जो थर्ड जो क्लास है जिसका नाम है ऑस्मंडेडी, जिसको एक ही ऑर्डर में डिवाइड किया, ऑस्मंडेलीज। और फिर जो फोर्थ क्लास है लेप्टोस्पोरेंजियटी, इसको तीन ऑर्डर में डिवाइड किया, फिलिकेलीज, मार्सियलीज और सेल्वियनीलीज। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये राइमर्स ने दिया है। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है बोयहर्स्ट का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण 1971 में दिया। इन्होंने जो डिविजन ट्रैकियोफाइटा को 14 क्लासेज में या 14 वर्गों में डिवाइड किया, जिस फर्स्ट वर्ग है जिसका नाम है वर्ग राइनोप्सिडा, और इसके अंदर एक ही ऑर्डर इंक्लूड है, राइनियलीज। फिर सेकंड जो क्लास है जिसका नाम है जोस्टेरोफाइलोप्सिडा, इसके अंदर एक ही ऑर्डर इंक्लूड है, जोस्टेरोफाइलेलीज।
फिर जो थर्ड क्लास है जिसका नाम है लाइकोपोडियोप्सिडा या लाइकोप्सिडा, इसके अंदर 6 ऑर्डर इंक्लूड किए हैं, एस्टेरोजाइलेलीज, लाइकोपोडियलीज, प्रोटोलेपिडोडेंड्रेलीज, सिलेजिनेलीज, लेपिडोडेंड्रेलीज और आइसोइटेलीज। फिर जो फोर्थ क्लास है जिसका नाम है क्लेडोजाइलोप्सिडा, इसके अंदर एक ही ऑर्डर इंक्लूड किया गया है, क्लेडोजाइलेलीज। फिर जो क्लास फिफ्थ है जिसका नाम है इक्विसिटोप्सिडा या स्पिनोप्सिडा, इसको है जो 4 ऑर्डर में डिवाइड किया, ऑर्डर फर्स्ट हाइनियलीज, ऑर्डर सेकंड न्यू स्यूडो बोर्नियलीज, ऑर्डर थर्ड है स्पेनोफाइलेलीज और ऑर्डर फोर्थ है जो इक्विसिटेलीज है। फिर जो क्लास जो सिक्स्थ है जिसका नाम है सिनोप्टेरियो टेरिडोप्सिडा, सिनो सिनोप्टेरिडोप्सिडा, इसके अंदर एक ही ऑर्डर इंक्लूड किया गया, सिनोप्टेरिडियलीज। फिर जो क्लास सेवन्थ है जिसका जो फिलिकोप्सिडा है और इसको 3 4 ऑर्डर में डिवाइड किया, नियोग्रे थियलीज, फिलिकेलीज, मार्सिलियलीज और सेल्विनियलीज। फिर जो क्लास आठ है जिसका नाम है ऑफियोग्लोसोप्सिडा और इसके अंदर एक ही ऑर्डर इंक्लूड किया गया जिसका नाम है ऑफियोग्लोसेलीज। फिर जो क्लास नाइन्थ है जिसका नाम है मेरेटियोप्सिडा और इसके अंदर एक ही ऑर्डर इंक्लूड किया, मेरेटियलीज। फिर जो क्लास टेंथ है जिसका नाम है एन्यूरोफाइटोप्सिडा, इसको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया, एन्यूरोफाइटेलीज, आर्कियोप्टेरेडिलीज और प्रोटोफाइटेलीज। फिर जो क्लास 11 है जिसका नाम है साइकेडोप्सिडा और इसके 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, टेरिडो स्पर्मेलीज, साइकेडेली और साइटोनियलीज। फिर जो 12वीं क्लास है जिसका नाम है कॉनिफेरोप्सिडा, 13वीं क्लास का नाम है निटोप्सिडा और जो 14वीं क्लास है जिसका नाम है एंजियोस्पर्मोप्सिडा और इसको 2 सब क्लासेज में डिवाइड किया गया, डाइकोटाइलिडो नीडी और मोनोकोटाइलिडो नीडी। तो ये थे टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट और उनका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के जो सब डिवीजन है उनके इंपॉर्टेंट करेक्टर कौन कौन से हैं, जिसके अंदर अपन स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा इनके बारे में पढ़ेंगे।